खाने के साथ अगर चटनी मिल जाए तो कहने क्या। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज। सिंपल से सिंपल और सादे से सादे खाने में भी चटनी मजे लगा देती है, मगर हर समय चटनी के सभी इंग्रेडिएंट्स घर में नहीं होते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा इंस्टेंट प्रीमिक्स जिससे आप कभी भी चटनी बना सकते हैं। बस पानी मिक्स करिए और आपकी चटनी तैयार है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी देख लेते हैं। तो इस चटनी प्रीमिक्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस एक पैन लीजिए और इसमें एक टीस्पून ऑयल डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम पे ऑन कर दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा, अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून राई, और जब दोनों ही चीजें अच्छे से तड़क जाएंगी तब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। अब हम उसी सेम पैन में करीबन एक तिहाई कप मूंगफली के दानों को भून लेंगे। मूंगफली को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले डालते हैं। जैसे ये हल्की सी भुन जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे करीबन एक चौथाई कप चने की दाल। चने की दाल और मूंगफली दाना जब अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे करीबन 3 से 4 खड़ी लाल मिर्चें। ये लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं, इसलिए मैं 3 से 4 ही डाल रही हूँ। अगर आपकी लाल मिर्च थोड़ी कम तीखी हो तो आप 8 से 10 भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 8 से 10 करी पत्ते। इन करी पत्तों को मैंने अच्छे से धो करके सुखा करके लिया है। जब करी पत्ते अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, ये क्रिस्प हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं करी पत्ता मैंने इस तरीके से क्रश किया, ये पूरी तरीके से क्रश हो गया। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब सभी चीजें अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हम इसको एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमारी सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे करीबन 2 टीस्पून काला नमक। वैसे आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, मगर काले नमक से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 चुटकी हींग भी डाल देंगे और फिर सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये हमारा चटनी का प्रीमिक्स बनके तैयार है। इसे आप 1 महीने तक एक एयरटाइट कंटेनर में रख कर स्टोर कर सकते हैं। और अब जब भी चटनी खानी हो इस पाउडर को थोड़ा सा लें, इसे पानी या दही के साथ मिक्स करें और आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। सर्व करिएगा इसको नॉर्मल खाने के साथ या फिर डोसे के साथ। इंस्टेंट डोसे की प्रीमिक्स की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खाना चाहे कितना भी सादा हो, मगर अगर साथ में चटनी परोस दी जाए तो कहने क्या। तो आज हम एक ऐसी ही चटनी बनाने वाले हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा घर में अवेलेबल होते ही हैं। तो चलिए बनाते हैं अनियन चटनी। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे करीबन 1 टीस्पून ऑयल। फ्लेम को करेंगे मीडियम से हाई पे ऑन। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई। यहाँ पे मैं मोटी राई का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब राई तड़क जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 करी पत्ते। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून चने की दाल और 1 टीस्पून मूंग की दाल। दोनों ही दालों को हमने अच्छे से धो लिया था। अब हम इस छौंक को अच्छे से तड़का लेंगे, मतलब कि दाल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और जब दाल अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तब हम इसमें से करीबन 2 टीस्पून छौंक बाहर निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। इस छौंक को हम चटनी के ऊपर से डालेंगे, इससे हमारी जो चटनी है देखने में भी अच्छी लगती है और ये रोस्टेड दाल का जो क्रंची टेस्ट आता है वो बहुत ही लाजवाब लगता है।
तो अब हमने इसमें डाल दिए 3 से 4 लहसुन की कलियां और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, अगर छोटा छोटा काट के डालेंगे तो वो जल्दी भुन जाएगा और अगर इस तरीके से बड़ा बड़ा काट के डालेंगे तो प्याज जल्दी कट जाएगा। जैसे भी आपको सहूलियत महसूस हो वैसे करिएगा। अब हमने इसमें डाल रही हैं 3 बड़ी हरी मिर्चें। अगर आपके पास हरी मिर्च खत्म हो चुकी हैं तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लाल मिर्च पाउडर को पैन में मत डालिएगा, सीधे ग्राइंडिंग जार में डालिएगा। और अब हम प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं तो अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इन सभी चीज़ों को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम केवल रंग के लिए डाल रहे हैं ताकि हमारी चटनी अच्छी लगे देखने में। तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। खटास के लिए हम इसमें डाल सकते हैं 1 नींबू का रस या फिर 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और फिर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारी चटनी पिस के तैयार है, तो चलिए इसको कटोरी में भी निकाल लेते हैं। जिस छौंक को हमने पहले से तैयार करके अलग कर लिया था उसे हम डाल देंगे चटनी के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। सर्व करिएगा इसको पराठा, पूड़ी या डोसे के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं हरी चटनी। इसकी काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे चैनल पे और बहुत ही कंसिस्टेंट डिमांड थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करी जाए। तो हरी चटनी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, तो आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हरी चटनी बहुत सारे तरीकों की होती है, मगर आज हम बनाने वाले हैं चटपटी चाट की चटनी या सैंडविच की चटनी। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 15-20 मूंगफली के दानों को सूखा भून लिया है और अब हम इसके छिलके उतार ले रहे हैं। मूंगफली दानों से छिलके हटाने के बाद यहाँ पे हम मिक्सी का ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्चें। हरी मिर्च टोटली आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने करीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है ताकि ये अच्छे से पिस जाए। यहाँ पे हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा और अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं मूंगफली के दाने जिसे हमने सूखा भून लिया था और उसके छिलके उतार लिए थे। लहसुन से इस चटनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसलिए मैंने इतना ब्रश करके बोला था कि अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। तो अब हम इस चटनी में 1 बड़ा चम्मच बूंदी डाल देंगे। ये नॉर्मल बूंदी है जो हम बूंदी के रायते में डालते हैं, वही वाली बूंदी है। इसे डालने से हमारी जो चटनी है वो काफ़ी गाढ़ी बनती है। बूंदी की जगह आप भुजिया सेव भी डाल सकते हैं, मगर आलू भुजिया मत डालिएगा, बेसन भुजिया डालिएगा और कोशिश करिएगा कि प्लेन भुजिया ही डालें। अगर आप नॉर्मल तीखी वाली भुजिया डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी खूब तीखी होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी चटनी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो बूंदी है वो थोड़ी सी सोख हो जाए और पिसने में आसानी हो। और अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा और नमक में हम इसमें डालेंगे काला नमक। वैसे तो आप टेबल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर काले नमक से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। जो भी चाट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें काला नमक ही पड़ता है, उसी से उसका वो जो अलग सा चटपटा वाला जो फ्लेवर होता है ना, वो काले नमक की वजह से ही होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप चटनी बनाएं, रायता बनाएं या चाट बनाएं या कुछ भी कुछ चटपटी सी चीज़ बनाएं, तो काला नमक ज़रूर डालें या फिर कॉम्बिनेशन में डालें, आधा काला नमक डालें और आधा टेबल सॉल्ट डालें। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 गड्डी धनिया। धनिया को हमने अच्छे से धो करके साफ करके इस्तेमाल किया है और यहाँ पे जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे हम पत्तियों के साथ डंडियाँ भी डाल रहे हैं। इन डंडियों में
बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है धनिये का, तो इसको भी चटनी बनाने में इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ऐसा करने से आपका धनिया पूरी तरीके से इस्तेमाल होगा। और अब हमने इसमें डाल दिया है एक नींबू का रस, और यहाँ पे हम थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल रहे हैं। ऐसा करने से आपकी जो चटनी है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग सी बनती है। हम जनरली चटनी जो है वो तली हुई चीज़ों के साथ ही खाते हैं या फिर हैवी चीज़ों के साथ खाते हैं, तो पुदीना डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और लीजिए, हमारी लाजवाब चटनी बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। नींबू का रस डालने से जो आपकी चटनी है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, इसलिए इसका रंग भी नहीं चेंज होगा, ये हरे रंग की ही रहेगी। तो अब हम इसको एक एयरटाइट जार में डाल देंगे। तीखा पसंद करने वाले लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा कम तीखा पसंद है वो इसमें हल्का सा पानी मिला लें या फिर दही मिलाकर भी खा सकते हैं। चटनी को हमेशा एक एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से ढक्कन लगा करके फ्रिज में स्टोर करें। ऐसा करने से आपकी जो चटनी है उसकी खुशबू नहीं उड़ती है और ये बिल्कुल फ्लेवरफुल बनी रहती है। और ये देखिए, जब आपकी चटनी में इस तरीके की चमक आए कि चम्मच भी नज़र आए, और ठंडी होने के बाद जब वो इस कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाए, तब आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आज बनी है परफेक्ट। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने करीबन 100 ग्राम इमली ले ली है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख सकते हैं, और अगर टाइम की कमी है तो आप इसे गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दें। तो अब हमें इस इमली का पल्प निकालना है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और इधर हमने एक पैन ले लिया है और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक छलनी। अब हम ये जो भीगी हुई इमली है उसको इस छलनी के ऊपर डाल देंगे, और फिर हाथों की मदद से रेशे और बीज को पल्प में से अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमली अच्छे से भीग गई है, तो ये बहुत ही आसानी से रेशे और बीज से अलग हो जा रही है। तो यहाँ पे बीज और रेशे सब अलग हो गए हैं और हमारे पास इमली का पल्प बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी, मतलब जितनी इमली ली है उतनी ही चीनी लेनी है। चाहे आप उसको कटोरी से नापे, कप से नापे या ग्राम में नापे, चीनी और इमली की क्वांटिटी इक्वल इक्वल होनी चाहिए। तो बस ले चलते हैं इसको गैस की तरफ, और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे हाई पे। आप चाहें तो ये जो चटनी है आप गुड़ से भी बना सकते हैं, उसमें भी यही हिसाब रहेगा, जितनी इमली लेनी है उतना ही गुड़ लेना है। जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, और फिर हम फ्लेम कर देंगे मीडियम पे। और अब हमें कुछ नहीं करना है, इस चटनी के गाढ़े होने का इंतज़ार करना है। चटनी को हमें इतना गाढ़ा करना है कि इसमें हल्का सा तार बनने लग जाए। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चटनी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसका रंग भी चेंज हो चुका है, मगर अभी भी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी की नहीं है। चटनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पहला ये है कि जब आपकी चटनी में इस तरीके के बबल्स उठने लग जाएं, तब आप समझ लीजिए आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। इस समय अगर आप इसको गिरा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल पतली लगेगी, क्योंकि इस समय ये बिल्कुल गर्म है, मगर जब ये एक बार ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जब आप चम्मच को चटनी में से निकाल लेंगे तब भी इसके ऊपर चटनी की हल्की सी कोटिंग रहेगी, तो इसका भी मतलब यह है कि आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। और तीसरा तरीका यह है कि आप एक कांच के बोल में हल्की सी चटनी गिरा लें और फिर उसको हल्का सा ठंडा कर लें, और फिर आप जब इस ड्रॉप को 2 उंगलियों के बीच में लगा करके इस तरीके से चेक करेंगे तो हल्का सा एक तार बनेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्प्रिंग बन रहा है। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हम नमक में कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, आधा टीस्पून काला नमक डालेंगे और आधा टीस्पून सफ़ेद नमक, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर।
अब हम इन सभी मसालों को इस चटनी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब चटनी हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। इसे मैं चटनी के हल्के ठंडा होने के बाद इसलिए डालने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपकी चटनी में गरम मसाले की खुशबू बहुत ही बढ़िया रहती है, ज़्यादा दिन तक रहती है। तो अब आप इस चटनी को किसी कांच के बर्तन में या फिर इस तरीके की अचार वाली बरनी में रख करके काउंटर पे ही 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे खाने के साथ सर्व करें या फिर स्नैक्स के साथ या फिर अलग अलग तरीके की चाट बनाएं इस चटनी की मदद से। करी पत्ते की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 बोल करी पत्ता। इसे मैंने धो के साफ कर लिया है। 1 छोटी कटोरी मूंगफली दाना, ये 1/3 कप के बराबर है। 2 टेबलस्पून दही और यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने छील लिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली दाने को भून लेंगे। तो इसे भूनने के लिए हमने किसी भी तरीके का तेल का इस्तेमाल नहीं करा है, इन्हें सूखा ही भूनना है। इन मूंगफली दानों को हाई फ्लेम पे 3 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते हुए और ये भून के बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक साफ किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब हम इस किचन टॉवल की एक पोटली बना लेंगे और इस तरीके से इसको काउंटर पे ही रब करेंगे। इससे मूंगफली दानों के ऊपर के छिलके बहुत ही आसानी से निकल आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% मूंगफली के दानों के छिलके बहुत ही आसानी से अपने आप निकल आ चुके हैं। छिलके उतर के नीचे किचन टॉवल पे आ जाते हैं। तो हम इस तरीके से मूंगफली दानों को ऊपर ऊपर से उठा के एक अलग प्लेट में रख लेंगे। मूंगफली दाने के छिलकों को फेंके नहीं, इन्हें गमले में डाल दें, ये काफ़ी अच्छी खाद होते हैं। अब अपनी मिक्सी का ग्राइंडिंग जार लीजिए और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। ब्लेड के अच्छे मूवमेंट के लिए लिक्विड चीज़ें या पानी सबसे पहले डालना चाहिए। अब इसमें हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का टुकड़ा भी डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब हम इसमें मूंगफली दाना भी डाल देंगे। कुछ एक आध मूंगफली दाना के ऊपर अगर छिलका रह भी जाए तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इससे हमारी चटनी के टेस्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इन सभी चीज़ों को 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। 10 सेकंड बाद चम्मच से सारे मटेरियल को इस तरीके से अलट पलट कर दें ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। अब हम इसमें दही डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और अब हम इसको फिर से 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। और 10 सेकंड बाद आप देख सकते हैं हमारी करी पत्ते की चटनी बनके तैयार है। अब आप इसमें पानी या दही डाल के इसकी कंसिस्टेंसी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सर्व करिएगा इसको अपने पसंद के स्नैक्स या डिनर के साथ। एंजॉय।